नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां सीधी में एक युवक की हत्या कर आंखें फोड़ दी गई। वह धान रोपाई के लिए मजदूरों से बात करने के लिए निकला था। गांव के ही एक व्यक्ति के यहां बैठकर बात कर रहा था, तभी वहां आए 5 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद वे फरार हो गए। घटना जिले के मडवास पुलिस चौकी के हिनौता गाँव में मंगलवार रात की है। मृतक युवक का नाम नारायण द्विवेदी है। बुधवार को उसके परिजनों ने आरोपियों पर केस दर्ज करने और उनके घर बुलडोजर से ढहाने की मांग को लेकर मझौली सीधी सड़क पर जाम लगा दिया था। पुलिस ने परिजन को कार्रवाई का आश्वासन दिया था, तब जाकर उन्होंने जाम खत्म किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 3 आरोपी फरार हैं। प्रशासन ने एक आरोपी के घर के अवैध हिस्से को बुलडोजर चलाकर ढहा भी दिया। नारायण द्विवेदी मंगलवार रात 8 बजे गांव के ही रहने वाले राजेश कुशवाहा के घर बैठकर चर्चा कर रहा था, तभी वहां पर पप्पू गुप्ता, लालजी गुप्ता और राजमणि कुशवाहा, रिंकू कुशवाहा और बाबू कुशवाहा आ गए। उन्होंने नारायण से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद नुकेले हथियार से आंखें भी फोड़ दी। वहां मौजूद राजेश कुशवाहा ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे भगा दिया। राजेश दौड़कर नारायण के घर पहुंचा और उसके परिवार वालों को जानकारी दी। परिजन और गांव के अन्य लोग जब वहां पहुंचे तब तक आरोपी भाग चुके थे। नारायण अचेत पड़ा था। परिजन नारायण को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नारायण के बड़े भाई राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि मैं राजेश कुशवाहा के घर पहुंचा, तब पप्पू गुप्ता, लालजी गुप्ता, राजमणि कुशवाहा, रिंकू कुशवाहा और बाबू कुशवाहा वहां से भाग रहे थे। मेरा भाई लहू लुहान पड़ा था। मारपीट के दौरान किसी नुकीले हथियार से भाई की आंखें भी फोड़ दी गई हैं। मझौली थाना प्रभारी दीपक सिंह बघेल ने बताया कि मारपीट में घायल एक व्यक्ति की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। 2 आरोपी पप्पू गुप्ता और लालजी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अन्य आरोपी राजमणि कुशवाहा, रिंकू कुशवाहा और बाबू कुशवाहा फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बात कर लेते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जहां शिक्षकों के प्रदेश में रिक्त 69,000 पदों पर अतिथि शिक्षक रखने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। आज से संकुल प्राचार्यों ने उन पदों की रिक्वेस्ट GFMS पोर्टल पर दर्ज करना शुरू कर दिया है। जिन पदों पर नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं है, वैसे तो स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले साल सेवाएं देने वाले अतिथि शिक्षकों को दोबारा रखने के निर्देश दिए हैं, पर जो शिक्षक विषय और कक्षा का 30% से अधिक रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, उन्हें दोबारा नहीं रखा जाएगा। तय प्रक्रिया के तहत 4 अगस्त तक संकुल प्राचार्य पोर्टल पर दर्ज करेंगे। 6 एवं 7 अगस्त को अतिथि शिक्षक पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग करेंगे। उधर विभाग में शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार दिया जा रहा है, इसके लिए काउंसलिंग भी की जा रही है। वहीं भविष्य में तबादले भी होंगे। इसके पहले 69,000 पद अतिथि शिक्षकों से भरे जा रहे हैं। पिछले साल की स्थिति देखें तो उच्च पद के प्रभार और तबादलों के कारण 20,000 अतिथि शिक्षकों को बाद में पद छोड़ना पड़ा था। इस बार भी ऐसी ही हालात बनने की आशंका है। जिन पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, उच्च पद के प्रभार या तबादलों से वे पद भरे जाते हैं, तो अतिथि शिक्षकों को बाहर होना पड़ेगा। मामले में अतिथि शिक्षकों के संगठन के पदाधिकारी कहते हैं, जो शिक्षक पिछले सत्र में बाहर हुए थे, उनके पास 7 से 12 वर्ष से ज़्यादा तक का अनुभव था। अनुभव की प्राथमिकता के आधार पर इन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।